उधर नर्मदापुरम के इटारसी में जिला सर्व ब्राह्मण समाज और आचार्य चाणक्य सर्वधर्म सद्भावना समिति द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया और कविवर भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में करीब 30 ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देते हुए बच्चों के बेहतर भविष्य और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। शिक्षकों को चलित ट्रॉफी, स्थायी ट्रॉफी के साथ सम्मान पत्र, शॉल, श्रीफल भेंट करके सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समाचार संपादक अभिलाष मिश्रा, पूर्व विधायक पंडित गिरजा शंकर शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समाचार संपादक अभिलाष मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों के हाथों में राष्ट्र की बागडोर होती है, वो नई पीढ़ी का भविष्य भी बनाते हैं। हमारे श्री रामेश्वर जी पटेल को मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप पधारे। तो मैं राजेंद्र दीवान जी को पुनः एक बार बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर आए। और साथियों तो ऐसे लोग होते हैं जो एक इतनी छोटी छोटी चीजों से आपकी जिंदगी बदल जाती है, संवर जाती है। आप लोगों ने बहुत जिंदगियां संवारी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप शिक्षा देने का काम करते रहे। आज जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरे मित्र यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने कहा ये चाणक्य शिक्षा सम्मान समारोह क्यों, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है ना, लोग चाणक्य को जाति विशेष से जोड़ लेते हैं, एग्रेशन से जोड़ लेते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि उसके साथ सर्वधर्म भी लिखा है, और वो इसलिए लिखा है क्योंकि जब एक गुरु तय कर लेता है तो वो बिना जाति पाति देखे एक सामान्य वर्ग के लड़के को उठाकर एक उस समय के सबसे बड़े सम्राट के सामने खड़ा करके अखंड भारत का निर्माण करते हैं। एक गुरु की इच्छा शक्ति पूरी कायनात को बदलने की ताकत रखती है। आप लोग